सो फाइनली टॉम क्रूज की मिशन इम्पोसिबल डेड रिकॉग्निस मूवी का पार्ट वन रिलीज हो चुका है थिएटर में। भाई इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा क्योंकि कहानी को अधूरा छोड़ा गया है पार्ट टू के लिए। यह इस सीरीज की सातवीं मूवी है जिसको मैंने आज ही देखा है। अगर आपने इस सीरीज की कोई भी मूवी नहीं देखी है तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। मूवी 2 घंटे 35 मिनट लंबी है। मूवी में जबरदस्त एक्शन देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस और कहानी भी देखने को मिलेगी। टॉम क्रूज इस एक्टर की एज 60 ईयर्स है, लेकिन भाई किसी भी एंगल से ये एक्टर मुझे बुढ़ा तो बिल्कुल नहीं लगा है इसकी एनर्जी देखकर, क्योंकि इन्होंने सारे सीन खुद किए हैं, किसी भी सीन में बॉडी डबल का यूज नहीं किया है। और बॉलीवुड में देखिए ब्रह्मास्त्र में दौड़ने के लिए भी CGI और VFX का यूज किया गया है, और आदि पुरुष में तो VFX का हाल आपने देखा ही हुआ है। एनीवे बात करते हैं मूवी की कि कैसी है यह मूवी और क्या इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में जाना चाहिए या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी के बारे में बिना स्पॉइलर के बस इतना ही बोलूंगा कि कंट्री के ऊपर चल रही होती है कुछ थ्रेट हमेशा की तरह, और फिर टॉम क्रूज की टीम को मिलता है एक और मिशन। अब वो थ्रेट किस लेवल की है और वो टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए किस हद तक जाती है, ये सब कुछ आपको मूवी में दिखाया जाएगा। मूवी में 70% एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा, और कि हर एक मूवी में एक्शन का लेवल डबल होता चला जाता है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो भाई टॉम क्रूज की परफॉर्मेंस लाजवाब है हमेशा की तरह। उनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा है अपने काम के प्रति। उन्होंने इस सीन के लिए महीनों महीनों प्रैक्टिस किया है खुद बिना कोई बॉडी डबल का यूज किए हुए, और बाकी सभी स्टार ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मूवी का स्क्रीन प्ले इतना फास्ट है कि फिल्म शुरू होते ही स्पीड पकड़ लेती है और आपको एंड तक सीट से चिपका के जरूर रखेगी। सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग काफी बेहतरीन है। ज्यादातर शॉट हेलीकॉप्टर या ड्रोन से लिए गए हैं जिनको देखने में काफी मजा आता है। फिल्म के VFX भी बहुत जानदार है जो किसी भी एंगल से फेक तो नहीं लगते हैं, स्पेशली क्लाइमैक्स का ये ट्रेन सीन जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई फिल्म में जितने भी कन्वर्सेशन हुई है ना, ऑडियंस उसमें भी चाह रही है कि उनको सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिले, क्योंकि ऑडियंस टॉम क्रूज की मूवी से सिर्फ एक्शन ही एक्शन एक्सपेक्ट कर रही है। जो इसमें देखने को मिलता भी है वो भी नेक्स्ट लेवल। क्यों देखे, अगर आप एक जबरदस्त एक्शन मूवी के शौकीन है और आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्मों के फैन भी है तो आप ये मूवी जरूर देखिए। इतने जबरदस्त एक्शन को बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और है। इसके जबरदस्त एक्शन, बेहतरीन परफॉर्मेंस और इसकी कहानी के लिए मेरी तरफ से इसको मिलते हैं 3 out of 5 stars। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।